सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहे हैं कुछ सुरक्षा जवान और लाउडस्पीकर लिए एक अफसर। वीडियो देखने के बाद पता चल जाता है कि ये कश्मीर का है। हाथ में लाउडस्पीकर लिए अफसर एक आतंकी को आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने के लिए समझाता दिखता है। माँ बाप का हवाला देता दिखता है। कहता है कि बाहर निकल आओ, कोई कुछ नहीं करेगा। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि आतंकी ने अफसर की बात सुनी और सरेंडर कर दिया। मामला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। नाहिल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो जब आवाज आ रही है तो मेरी बात सुनो। मैंने तुमको पहले भी रिक्वेस्ट किया, देखो तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको जो भी समझना समझना, अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुमको कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो। तो अपने घर वालों को याद करो, अपने दोस्तों को याद करो, अपने माँ बाप को याद करो। तो जब सब याद है बच्चे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हथियार डाल के और बाहर निकला, हाथ ऊपर करके। मैं सरेंडर लेने के लिए तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। वीडियो 25 जून का है, जब सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स की चौधरी गुंड COB के मेजर रोहित शुक्ला एक आतंकी को आत्मसमर्पण के लिए समझा रहे थे। कश्मीर के शोपियां इलाके के हाजीपोरा में छुपे आतंकी साहिल अहमद डार को मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने घेर लिया था और साहिल एक घर में घुस गया था। साहिल का साथी मुर्तजा मारा जा चुका था। साहिल अहमद डार बेमीनपोरा का रहने वाला है और मोहम्मद रमजान का बेटा है। मेजर शुक्ला ने काफी देर तक आतंकी को समझाया, उसके परिवार का वास्ता दिया। काफी देर के बाद आतंकी ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। 25 जून को पुलिस और सेना की 34 RR की एक संयुक्त टीम ने हाजीपोरा इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। दरअसल सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरना शुरू कर दिया। फायरिंग कर रहा एक आतंकी इस मुठभेड़ में मारा गया। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साहिल ने जब खुद को चारों ओर से घिरा पाया तो अपने परिवार वालों को बुलाया। उसका परिवार घटनास्थल पर पहुंचा। इसके बाद आतंकी ने AK-56 के साथ सरेंडर कर दिया। साहिल अहमद डार ने 14 मार्च 2021 को ही आतंकी संगठन ज्वाइन किया था। शौर्य चक्र विजेता मेजर रोहित शुक्ला समीर टाइगर नाम के आतंकी को एनकाउंटर में मार गिराने के बाद उनकी काफी चर्चा हुई थी। मेजर शुक्ला ने स्थानीय लोगों को भरोसे में लिया है, उनका विश्वास जीता है और यही कारण है कि साहिल के परिवार के लोग तुरंत ही मौके पर पहुंच गए और साहिल ने आत्मसमर्पण कर दिया। बातचीत के दौरान भी मेजर ने जिस तरह बार बार साहिल को समझाया, सोशल मीडिया में उसकी काफी तारीफ हो रही है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने, शुक्रिया।